मंगाया ना वीडियो, तो मैंने कहा कि लोग मुझे दाऊद के दामाद के नाम से जानते हैं, बाबा खान के भतीजे के नाम से जानते हैं, हसीना आपा के दामाद के नाम, असल जुबैर कौन है वो बताने में बिग बॉस में आ रहा हूँ। तो मैं दामाद नहीं, अरे नहीं हूँ, कहा मैंने बोला, मैंने ये बोला कि असली जुबैर कौन है वो बताने आ रहा हूँ। तो आप वो नेगेटिव लेके जा रहे हो उस चीज को, क्या नेगेटिव क्यों लेके जा रहे हो? और उन्होंने मुझे डायलॉग दिए थे कि आपको ये पांच पांच लाइन बोलनी है, मुझे पता ही नहीं उन लोगों ने क्या लाइन दी। आज मैंने आके काम में देखा, मैं ऑलमोस्ट 17-18 घंटा अनकॉन्शियस था। इन लोग इतने अनह्यूमन है बिग बॉस वाले, मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। जब कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है, जब किसी पे मेंटल टॉर्चर होता है, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। और मुझे लाज के गलत किया गया, ये सरासर गलत है। सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए ताकि वहाँ पे एमएलसी हो, एमएलसी होने से उसमें केस फाइल किया जाता है। बिग बॉस में वहाँ पे सरासर गलत किया गया है, बिग बॉस के ऊपर इस चीज के ऊपर सेक्शन केस फाइल किया जाना चाहिए, सलमान खान के ऊपर केस फाइल होना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने इनको मेंटली टॉर्चर किया है पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने उसने मुझे बहुत कुछ कहा। मैं चाहता तो मैं उसको बहुत कुछ जवाब दे सकता था, मैं बहुत कुछ जवाब दे सकता नहीं, था। उसने कहा है कि बाहर आने के बाद भी बताएगा, तो ये यही खड़ा है, मुझे देखना है कि क्या बताएगा, बताए। मैं सलमान को मुझे देखना है क्या बताएगा। तेरे को ऊपर से फोन आया इसलिए तेरी फटी ना, तेरे को ऊपर से फोन आया तो तेरी फटती ही हमारी नहीं फटती भाई, समझा। मैं किसी का रिश्तेदार नहीं हूँ, वन मैन आर्मी और हम लोग एड़े लोग हैं। ऊपर से मतलब किसका, जिसका नाम ले रहे हैं। तो तू वहाँ का खास होगा, तू वहाँ का चमचा होगा, हम लोग चमचे नहीं, हम लोग देश का नमक खाते हैं, हम गद्दारों के साथ नहीं है। हाँ सीधी सी बात है, अगर तेरे को दाऊद से फटती है मेरी नहीं फटती भाई। हमको इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा भरोसा है, पुलिस के ऊपर, इंडियन पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। मुझे बोलता है कि तुझे बच्चे चाहिए तो पुलिस के पास जा। अब तेरे को बच्चे का क्या मालूम, मेरे बच्चे के लिए मैं पुलिस और कोर्ट में क्यों जाऊं? मैं अगर एक शो का हिस्सा लेके जहाँ पर मैं अपनी बीवी बच्चों को बोल सकूँ कि भाई मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आ जा वापस, तू कौन होता है मेरे को बोलने वाला? हाँ तू शर्ट उतार के नाचता है तो तेरे को किसी ने बोला कि शर्ट उतार के नाच? मैं एजाज खान नहीं हूँ, मैं विवेक ओबरॉय नहीं हूँ जिनको तू कुछ भी बोल लेगा। मैं तेरी आखिर तक तेरी बजाते रहूंगा।